आज हमारा रिवीजन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का, एनाटॉमी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। जैसा कि ये हम बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट सा ओवरव्यू कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम इस होता है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में, और ये कंपोज होता है ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, वो क्या है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, उसके कुछ एसोसिएटेड पार्ट्स हैं और एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है ओरल कैविटी पर, ओरल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स भी फिर फर्दर जो है ना चार उसके डिविजन्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं और स्मॉल बकल ग्लैंड्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फेरिंग्स है। थर्ड पार्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो है वो एक लॉन्ग लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, दैट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इट लाइज इन द मीडियन प्लेट इन थोरेक्स एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम एंड बिहाइंड द ट्रैकिया एंड द एंड हार्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम द फेरिंक्स एंड एंड इन द स्टमक। ये कहाँ से स्टार्ट फ्रॉम द फेरिंक्स और एंड कहाँ पे होती है, स्टमक में एंड हो रही होती है। उसके बाद जो है एक लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है, वो बैग है जो कि कनेक्ट करता है किसको, लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस और अबव एंड ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अबव एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को और लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस को कनेक्ट करता है। और ये जो है ना फर्दर तीन पार्ट मुश्तमिल होता है, फंडस, बॉडी एंड द पाइलोरिक एंट्रम। यहाँ पर फूड की डाइजेशन प्लेस होती है, डाइजेशन हो रही होती है, और कुछ एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी मदद से फूड जो है ना वो किसमें मज़ीद जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अच्छा, स्टमक जो है वो क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ये पता हो। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है इज़ अबाउट 10 inches। स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक टू द इलियोसिकल जंक्शन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6.9 meters इन मेल है एंड 7.1 meters इन फीमेल है, एंड एवरेज अगर हम कहें तो वो तकरीबन 4.6 to 9.8 meters इन लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर हम एक जनरल जो है ना इसकी लेंथ की बात करें तो वो इतनी है। और स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड सराउंडिंग बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ये है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई है, ये से कुछ पार्ट्स हैं, और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इज सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्टमक था, यहाँ से इसका ये ड्यूडिनम स्टार्ट हो गई है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना ये किससे सराउंडेड है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ये मैं कह ये स्मॉल इंटेस्टाइन मुश्तमिल है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से सराउंडेड है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो वो फर्दर जो है क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द इलियम टू द एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, जेजिनम एंड इलियम। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम द इलियम एंड एंड ऑन द एनस। और इसके जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फर्दर मुश्तमिल होती है किस पे, फोर पार्ट्स पर, सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड द एनल केनाल। कोलोन जो है वो फर्दर जो है ना फोर पार्ट्स में डिवाइड है, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड द सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम और फिर एनल केनाल। इसके साथ जो है लेवर, पेंक्रियाज एंड गॉलब्लैडर, ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट दीज आर कॉल्ड द एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज दे हेल्प इन द किस में हेल्प करते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर का जो फंक्शन है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, बिल्ड करता है मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, ये स्टोर करता है विटामिन्स को, और इसके अलावा ये क्या करता है, पॉइजन को भी डिस्ट्रॉय करता है।
और पेंक्रियास जो है उसमें वो हार्मोन वो क्या करता है, पेंक्रियास लबलबा है, ये इंसुलिन जो है जो हार्मोन है उसे रिलीज करवाता है, इसके अलावा इंसुलिन को भी रिलीज़ करवाता है। इंसुलिन का फंक्शन ये है कि जो हम खाना खा लेते हैं अगर उसमें शुगर की मिकदार थोड़ी सी बढ़ जाती है तो पेंक्रियास से जो ये इंसुलिन जो है हार्मोन है ये रिलीज़ होता है और ये रिलीज़ होकर आपके ब्लड में शामिल हो जाता है। ब्लड में जाके जो ग्लूकोज की एक्स्ट्रा मिकदार है या जितनी बॉडी में नॉर्मल मेंटेन होनी चाहिए ये उसको क्या करता है, रेगुलेट कर रहा होता है इंसुलिन। और इसके अलावा जो है पेंक्रियास से कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड अमाइलेज, जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा फैट्स की लिपिड्स इनटू फैट, और इस प्रोटीन्स जो है उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो बॉडी के लिए ईजिली एब्जॉर्ब हो सकें। और गॉल ब्लैडर भी एसोसिएटेड ऑर्गन है, ये क्या करता है, स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है बाइल को। तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का, और आपको इसकी जो है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उसकी थोड़ी सी एनाटॉमी, उसकी लेंथ क्या है, कौन सा ऑर्गन कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये कहाँ पर लोकेटेड है और इसकी जो है ना लोकेशन क्या है, तो ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद करनी है।